इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, स्वराज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। केंद्र की मोदी सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश कर चुकी है। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी अपना बजट पेश कर दिया है। वहीं अब बारी छत्तीसगढ़ में बजट पेश होने की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 8 फरवरी यानी कल से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र के पहले ही दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्त मंत्री के रूप में अपनी सरकार का पहला बजट पेश करेंगे। वित्तीय वर्ष 2019-20 का यह बजट करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भूपेश सरकार यह बजट लोक लुभावन होगा। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा कांग्रेस द्वारा जारी जन घोषणा पत्र में आम लोगों के कल्याण के लिए कई वादे किए गए थे, जिसे पूरा करने की दिशा में यह बजट बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। हालांकि देखने वाली बात यह भी होगी कि खर्चों में कटौती के फैसले के बाद लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोक लुभावनी योजनाओं की भी घोषणा करेंगे। क्या सरकार आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के बाद भी जन घोषणा पत्र के वादों को बजट में शामिल कर पाएगी। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस आखिर किस तरह सभी वर्गों को खुश करेगी, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे जनता मांगे जवाब की खास पेशकश बघेल का बजट। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल पेश होने जा रहे वार्षिक बजट का प्रदेशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। नई सरकार है, लिहाजा जनता ये देखना चाहती है कि अब की बार वाला बजट कितना खास होगा। प्रदेश में सत्ता हासिल करने के लिए मौजूदा समय में भूपेश बघेल सरकार में मंत्री टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में जन घोषणा पत्र तैयार किया गया था, जिसमें समाज के सभी वर्गों को लुभाने की भरपूर कवायद की गई। फिलहाल जनता को इंतजार है कि जिन घोषणाओं पर अब तक अमल नहीं हुआ है उन पर बजट में अमल हो जाएगा नहीं। लोगों को सरकार से इस बात की भी उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले भूपेश बघेल उन्हें बड़ी सौगात भी जरूर देंगे। बजट में क्या खास बातें हो सकती हैं, इस पर चर्चा शुरू करें। देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। आ रहा छत्तीसगढ़ का बजट, बघेल के बक्से से क्या निकले रखा है? क्या किसान और युवा के चेहरे पर आएगी खुशी? आखिर किसका होगा कितना भला? बड़ा सवाल, क्या जन घोषणा पत्र के वादे को बजट में शामिल करेगी सरकार? लोकसभा चुनाव से पहले कितना लोक लुभावन होगा बघेल का बजट? छत्तीसगढ़ में नई सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। प्रदेश की सत्ता में 15 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई है, लिहाजा जनता बजट को लेकर इसलिए भी बेसब्र है कि नई सरकार के बजट में प्रदेशवासियों को बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। हमारे हिसाब से घर होना चाहिए, अच्छा है, हम लोग को काम धंधा करने घर भी होना ना। बजट पेश हो रहा है उसमें आउटसोर्सिंग को खत्म करके यह जो 102 की जो सेवाएं हैं उनको सरकार अपने अंडर में ले, आउटसोर्सिंग खत्म करे। माननीय भूपेश बघेल जी ने किसानों के हित में जो काम किया है, हम चाहते हैं कि कर्मचारी वर्ग को भी ध्यान दे। बजट जब ला रही है तो एजुकेशन सेक्टर में और ज्यादा उसको बढ़ाया जाए और ये कोशिश की जाए कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके बच्चों को और ज्यादा रिसोर्सेस मिले, जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलती है। हम लोग सुन रहे हैं महिलाएं सुरक्षित है, पर मेरे को नहीं लगता वैसे है कुछ, तो उस पर थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को। बाकी बजट बोलने से अब महिलाओं को क्या चाहिए बजट में, वही कॉस्मेटिक सस्ते। राज्य में कांग्रेस जब से सत्ता में आई है तब से वो जनता को लगातार उत्साहित किए हुए है। जन घोषणा पत्र में किए गए कुछ वादों को शपथ लेने के कुछ घंटे बाद ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ बैठक कर पूरा कर दिया था।
इसके तहत सहकारी बैंक से अल्पकालिक ऋण लेने वाले किसानों का ऋण माफ करने की मंजूरी दी गई। इससे राज्य सरकार पर 6100 करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय भार आया था। इसके अलावा धान खरीदी का मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल करने के अपने वादे को भी पूरा कर दिया गया। ये दो बड़े वादे निभाने के लिए सरकार बजट में वित्तीय प्रावधान करने जा रही है। फूड फॉर ऑल के अपने वादे को पूरा करने के लिए भी सरकार बजट में भारी भरकम प्रावधान कर सकती है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के प्रत्येक परिवार को सस्ते दर पर चावल मुहैया कराने की योजना है। वादे के मुताबिक आयकर नहीं देने वाले सभी परिवारों को 1 रुपए प्रति किलो की दर से महीने में 35 किलो चावल दिया जाना है। वहीं आयकर देने वाले परिवारों को 10 रुपए प्रति किलो की दर से महीने में 35 किलो चावल दिया जाना है। भूपेश बघेल सरकार के लिए बिजली बिल हाफ करना भी बड़ी चुनौती है और इसके लिए भी सरकार बजट में प्रावधान कर सकती है। एक आकलन के मुताबिक इस वादे को पूरा करने के लिए सरकार के ऊपर सालाना 11000 करोड़ रुपए से ज्यादा का वित्तीय भार आएगा। वहीं संपत्ति कर को भी आधा करने का वादा कांग्रेस ने किया था, जिस पर भी अमल किया जाना संभावित है। इसके अतिरिक्त 2 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षा कर्मियों के संविलियन का वादा भी किया गया था, जिसके लिए शिक्षा कर्मी संघ लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। अगर इस काम को भी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले करना चाहती है तो इसके लिए भी भारी भरकम बजट चाहिए होगा। सरकार ने सभी किसानों का कर्ज माफ करने का अपना वादा दोहराया है, लिहाजा इस संबंध में भी बजट में व्यवस्था करने के आसार हैं। बता दें कि अभी केवल सहकारी और ग्रामीण बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेने वाले किसान का कर्ज माफ किया गया है, जबकि राष्ट्रीयकृत और वाणिज्यिक बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण लेने वाले किसानों को कर्ज माफी का इंतजार है। कांग्रेस ने सभी परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा मुहैया कराने का वादा भी किया है, जिसके अध्ययन के लिए हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव थाईलैंड के दौरे पर गए थे। वहां से लौटने के बाद सिंहदेव ने कहा था, सरकार गंभीर बीमारी से पीड़ित सभी मरीजों के लिए निःशुल्क चिकित्सा मुहैया कराने जा रही है। ऐसे में इस वादे को पूरा करने के लिए भी भारी भरकम बजट की जरूरत होगी। इसके अलावा कांग्रेस ने 60 साल से अधिक उम्र वाले किसानों को पेंशन देने का वादा किया था, इस संबंध में भी बजट में प्रावधान किया जा सकता है। कुल मिलाकर लोक लुभावन घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए कांग्रेस सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट लाने जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि बजट पूरी तरह से लोक लुभावन और चुनावी होगा। देखते हैं आम चुनाव से ठीक पहले आ रहे प्रदेश के बजट में जनता की अपेक्षाएं पूरी होंगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो छत्तीसगढ़ का नया वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट 8 फरवरी यानी कल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसी दिन के से सदन की बैठक फिर से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र अगले 1 महीने तक चलेगा। इस बजट सत्र के लिए विधानसभा सदस्यों द्वारा 1800 से ज्यादा सवाल लगाए गए हैं। बजट सत्र में कुल 20 बैठकें होनी हैं, जिसके लिए विधानसभा में तैयारी पूरी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक 1800 से ज्यादा जो सवाल पूछे गए हैं उसमें 1003 प्रश्न तारांकित और 823 प्रश्न अतरांकित है। इसके अलावा 66 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आएंगे, जबकि 32 स्थगन प्रस्ताव होंगे। 139 पर चर्चा की एक सूचना है। अशासकीय संकल्प 11 आए हैं। विधानसभा में 11 और 12 फरवरी को आय व्यय पर चर्चा होगी, तो वही 13 फरवरी से 6 मार्च के बीच में विनियोग विधेयक आएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने बजट सत्र शुरू होने से पहले सूचना दी है कि सूचना का अधिकार लगाने का शुल्क अब 500 रुपए की जगह 50 रुपए होगा। भविष्य में इस शुल्क को और भी कम किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में नई सरकार के कल पेश होने वाले पहले बजट पर सबकी नजरें टिकी है। तो वहीं 15 साल सत्ता में रहने वाली बीजेपी अब बतौर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश भी इस सत्र में करेगी। देखते हैं कि नई सरकार का ये बजट सत्र किस तरह चलता है। दरअसल रमन सरकार ने पिछली बार करीब 84,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, वहीं इस बार का बजट 1,00,000 करोड़ रुपए के होने की उम्मीद है। ऐसे में जनता को आशा है कि बघेल सरकार से उन्हें बड़ी सौगातें जरूर मिलेगी। तो बघेल का बजट कैसा होगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेन वर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता अवधेश जैन जी, हमारे अर्थशास्त्री हैं तपेश गुप्ता जी। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, और भोपाल स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार हमारे आरपी श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ चलते हैं, उससे पहले छोटा सा सवाल श्रीवास्तव जी आपसे। 15 साल बाद
जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था तब उसके बाद जब अलग हुए योगी सरकार आई कांग्रेस 2.5 साल रही पहली बार कांग्रेस पूरी तरह से पहला बजट पेश करने जा रही है। थोड़ा सा विपक्ष में बैठे भाजपाइयों को अटपटा सा लगेगा हम प्रस्तुत करते रहे हैं इस बार ये क्या हो रहा है। कुल मिला के जिन मुद्दों पे कांग्रेस बीजेपी को घेरती रही है क्या आपको लगता है वही मुद्दे अब कांग्रेस के खिलाफ होंगे? देखिए त्रिपाठी जी जो बजट की जो प्रक्रिया है आपने पहले ही बता दिया है कि जो है पिछले 15 सालों से कांग्रेस विपक्ष में बैठती आ रही है जी और हमेशा बजट अपनी प्रतिक्रिया देती है। अब प्रतिक्रिया देने का समय किसका आ गया? भारतीय जनता पार्टी का जी। इस बजट के बारे में अगर ये देखा जाए तो सबसे पहले कांग्रेस का जो जन घोषणा पत्र उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा जी। और उसमें जहां तक जो भी बातें सामने आई हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा कर्ज माफी है, इसके बाद नौकरी में मेरी बात एक तमाम चीजें इस पर भारी भरकम रकम खर्च होने वाली है तो ये सरकार के लिए बड़े परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए बनेगी कि अब जब बजट का प्रावधान होगा तो कितने घाटे का बजट होगा ये देखना होगा। अब आपने कहा ना कि पिछला बजट 84,000 करोड़ का था जी, अभी 1,00,000 तक जाएगा तो इसकी इसकी भरपाई कहां से होगी? क्या सरकार कोई नया टैक्स लगाएगी जिसकी वजह से भरपाई करेगी या केंद्र सरकार से कितनी उसको वित्तीय मदद मिलती है उसको भी देखना होगा। उसको जो है कितना जो है बैंकों से कर्ज ले चुकी है उसको भी देखना होगा और क्या बचता है उसके पास। ये बहुत सारी चुनौतियां उनके पास हैं और ये तमाम जो वादे किए गए हैं उनको पूरा करने के लिए हमको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को एक जो है मुख्यमंत्री को एक बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब ये इस तरह की कर्ज माफी और तमाम चीजों की बात हो रही थी और उसमें इतना पैसा आएगा और जो है टी एस सिंहदेव जी ने पूरे बजट को राहुल गांधी को जिस समय समझा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा पहले ये बताइए जी। तो हमें लगता है कि कल ये पता चलेगा कि बघेल सरकार जो है कि कहां से इस तरह को इसको मैनेज करेगी और किस तरह से लोग लुभावन होना तो एक अलग बात है लेकिन जो है पैसा कहां से आएगा ये बात और दूसरी बात है कि आने का स्रोत क्या है ये सारी दोनों बातें देखनी होगी। स्रोत तो निश्चित तौर पर सीमित है तपेश जी से ही जान लेते हैं। तपेश साहब 61,6100 करोड़ का किसान कर्ज माफी हमारे समक्ष ये जो एक रुपए प्रति किलो 35 किलो जो गेहूं बीपीएल कार्ड धारक है उनको देने का वादा है शायद इस तरह पहली बार हो रहा है। आयकर देने वाले परिवारों को भी 10 रुपए प्रति किलो की दर से 35 किलो तक का चावल देंगे ये एक एक्स्ट्रा आया है अलग से आया है। टीएस बाबा ने कहा है कि गंभीर बीमारियों में भी निःशुल्क शिक्षा चिकित्सा देने की बात कही है। ये सब बहुत सारे जैसा कि श्रीवास्तव जी ने कहा कि जब घोषणा पत्र जारी किया जा रहा था कांग्रेस का उस समय टीएस सिंहदेव जी ने जिस तरह से समझाया था खुद राहुल गांधी जी ने कहा था कि पैसा आएगा कहां से। क्या आपके थोड़ा बहुत आपने गणित लगाया होगा कहां से आएगा इतना पैसा? और सबसे बड़ा सवाल है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ का जीडीएस क्या बोलते हैं सर आप ही बता सकते हैं सकल घरेलू उत्पादन वो कितना है वर्तमान में सकल घरेलू उत्पादन कितना है? देखिए सर सबसे पहली बात तो ये है कि सकल घरेलू उत्पादन जो पिछले वर्ष था उससे ये बढ़ेगा नहीं चाहे वह केंद्र का हो चाहे वह राज्य। वर्तमान में जीडीपी कितना है? अभी जो विकास का जीडीपी 6.7 का करीब है जी और सकल घरेलू उत्पादन 6.7 के। और नियम क्या कहता है कि कितने के अंदर होना चाहिए उस तब तक ही कर्ज ले सकते हैं? देखिए ऐसा नियम कुछ नहीं है जी। इस देश में विकास दर का अनुपात भी 6% से नीचे रहा है 4% भी रहा है जी। प्रगति होती रही है जी। सुनिए जहाँ तक अर्थव्यवस्था की बात उठती है जी अब हम बजट पे चर्चा कर रहे हैं ये टोटली पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का मैटर होता है जी। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में अब नई ट्रेंड जो मैं 4 वर्षों से देख रहा हूँ वो ये हो रहा है कि 3 वर्ष ये विकास का नारा देते हैं और पहला वर्ष और आखिरी वर्ष यह समाज कल्याणकारी योजनाओं के लिए व्यय करते हैं। कोई भी सरकार इससे पार्टी की कोई बात नहीं है हर किसी को अपने मतदाताओं को लुभावन देने की कोशिश होती है जी। पर इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ी मात्रा में घोषणाएं की गई है।
इसके लिए राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होगी? सबसे पहले तो इनको राजस्व की प्राप्ति होगी माइनिंग से जी, जो यहाँ का प्रमुख उत्पादन है। दूसरा राजस्व इनको प्राप्त होगा जो भूमि के पंजीयन पर रोक लगा था, वो पंजीयन अब स्थिर मतलब खुल गया है, प्रतिबंध हट गया है, तो बड़े पैमाने पर पंजीयन होंगे, नामांतरण होंगे, उसके पंजीयन के शुल्क जो प्राप्त होंगे उससे बड़ी राशि प्राप्त होगी। दूसरा यह है वाहन के क्रय विक्रय और दूसरे चीजों पर जो आर्थिक स्थिति के विकास होने पर, देखिए कोई भी जब खर्चा ऊपर से प्राप्त होता है तो हर कोई दूसरे वैकल्पिक साधन की ओर बढ़ते हैं, तो ऐसे वाहन वगैरह खरीदने पर जो परिवहन के कारण जो राजस्व प्राप्त होगा वह इससे प्राप्त होगा। तीसरी चीज जो इनको करनी है, अब यह समाज कल्याणकारी योजनाओं की ओर जा रहे हैं तो कुछ विकास के कार्यों पर रोक लगेगा, उसका पैसा बचेगा। फिजूल खर्च जो करेंगे प्रशासन पर वह संतुलित और नियंत्रित होकर करेंगे। चौथी चीज, इस बार बजट में मुझे पूरी संभावना है कि वह लोकपाल या लोक आयोग जैसे प्रावधान जिसकी चर्चा कर रहे थे बार बार, वह प्रावधान लाने से भ्रष्टाचार में कुछ कसावट आएगी तो राजस्व की वसूली भी तीव्र होगी और अच्छी होगी। रही बात, हमने पहले बहुत ज्यादा यहाँ एक सवाल तपेश जी एक सवाल समझना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि विकास के कार्यों को रोका जाएगा उनको या कम किया जाएगा, तो ऐसे में विकास दर तो घट जाएगा? रोका नहीं जाएगा जी, रोका नहीं, 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 देखिए विकास दर किसी बिल्डिंग के बनने से निर्धारित नहीं होता जी, प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने से ही यह निर्धारित होता है। और दूसरी चीज ये है कि विकास का पैमाना बड़े बिल्डिंग नहीं होते, उसके उत्पादकता पर निर्भर करता है। यदि अगर मैं 100 रुपए लगा रहा हूँ और वह 100 रुपए का लाभ यदि अगर 80% मुझे मिलता है तो मेरी उत्पादकता दर बढ़ जाएगी। ऐसे विकास की योजनाएं जिसको कि हम बाद में उत्पादकता से जोड़कर, रोजगार से जोड़कर, प्रति व्यक्ति आय से जोड़कर नहीं कर पाते थे, ऐसे विकास योजनाओं पर रोक लगेगी। मतलब 60% नहीं, उसको मेंटेन करने का खर्च होगा, नई योजना विकास के लिए लाई जाएगी, पूंजी विनियोजन नहीं होगा, लेकिन प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। जैसे ही आप सामाजिक सुरक्षा देते हैं, जैसे ही सामाजिक कल्याण के कार्य करते हैं, राज्य के अधिकारी कर्मचारी किसान मजदूर उनका जीवन स्तर ऊपर उठता है, और जैसे ही जीवन ऊपर उठता है वैसे ही क्रय विक्रय के अनुपात में वृद्धि होती है, जिससे भी राजस्व की प्राप्ति होती है। तो इस बार GST है, इस कारण आपको यह मानते हुए कहना कि किसी चीज में कटौती करेंगे संभव नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा संभावना जो लग रही है, जो पिछले साल नए महाविद्यालय खोले गए थे उनके भवनों के लिए बजट दिया जाएगा, वो विकास कार्य होगा क्योंकि यह आवश्यक है। दूसरी चीज, बहुत सारी ऐसे नए जिले बनेंगे जिन पर ये व्यय करेंगे, तो कुछ योजनाएं ऐसी हैं इनके पॉकेट में जिसको लोकसभा चुनाव के लिए जनता को आकर्षित करने के लिए ये आम जनता के सामने रखेंगे। इन्होंने स्मार्ट कार्ड बंद किया है, इनको चिकित्सा की वैकल्पिक व्यवस्था भी देनी होगी। जिस प्रकार से अनाज सड़ रहा था और हमको हानि हो रही थी, उससे अच्छा है कि हम 10 रुपए किलो में ही आम जनता को दे दें, तो इसका वित्तीय भार मैं नहीं मानता कि सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा आएगा। कागज में भले ही आपको लिख रहा हो, प्रवासम और सामाजिक स्तर पर देखिए, समर्थन मूल्य प्राप्त 2500 रुपए हजारों टन सड़ रहे हैं। 2500 रुपए समर्थन मूल्य जो खरीदी की बात कही गई है उसमें भी तो भारी भरकम बजट इनको रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल रखेंगे। देखिए साहब, बहुत से खर्चे ऐसे हैं जो अनुत्पादक हो गए थे। अनावश्यक रूप से हम शहरों के सौंदर्यकरण पर खर्च कर रहे थे जी, हमारे गांव तक बिजली नहीं पहुंच पाई है और हम दूसरे राज्यों को बिजली बेच रहे हैं। अब यहाँ पे हम बिजली सस्ते दर पे बेचते थे, उसी दर पे हम अपने ही उपभोक्ता को देंगे तो हमारा उपभोक्ता लाभान्वित होगा। आखिर वित्तीय भार या उसकी क्रय की जो मूल्य है वही मिल रहा है। ये है कि उसका स्वरूप बदला जा रहा है, स्वरूप बदलने से इसका लाभ प्राप्त होगा जी। नहीं नहीं, यहाँ पे तो बिजली भी आधे दर पे देने, में ऐसा जो बिजली भी आधे दर पे देने की बात तो कही है। आधे दर पे तो हम हाँ बिजली हम आधे दर पे ही दूसरे राज्यों को निर्यात बेचा करते थे। हाँ अब हम उनको बेचना बंद करके हम अपने उपभोक्ता देंगे। उपभोक्ता को आप देंगे, ऐसा नहीं है कि 7% है, वो 500 यूनिट तक है। वो जो आप बेचते थे उससे आय होती थी आपको, अब वो भी बंद हो जाएगी जी। नहीं, अब वो आय हम हमारे उपभोक्ता उपयोग करेंगे तो हम उनसे आय प्राप्त करेंगे। वो तो पहले भी देते थे, पहले भी देते थे, यानी जैसे मान लीजिए 10 रुपए प्रति यूनिट है,
उसको ये 5 रुपए प्रति यूनिट कर रहे हैं, तो 10 रुपए प्रति यूनिट पहले भी वो उपभोक्ता से वसूलते थे, ऐसा तो है नहीं उनको फ्री दे रहे थे? देखिए ऐसा फ्री में ही दे रहे थे, मेरा कहना यह है कि हमारी लागत होती थी अधिक और हम उसका कंजम्पशन नहीं कर पाते थे, इस कारण हम जो देते थे, अब हमारे यहाँ उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। जो 100 यूनिट 150 यूनिट जो ब्लाइट बंद कर दे, बिजली बिल आता है, ये जो कह कह के जो कंजम्पशन किया जाता था वो बंद होगा। दूसरी चीज ये है, जब राज्य में पूरी बिजली मिलेगी, हम वैकल्पिक ऊर्जा का जो उपयोग करते थे घर में और बाहर में, जिसकी लागत अधिक हुआ करती थी, वह अब कम होगा, तो लोग वैकल्पिक को छोड़कर इसमें आएंगे जिसकी लागत कम रहेगी। इसके साथ सौर ऊर्जा वर्ग पे जो हम सब्सिडी देते थे वह भी कम हो जाएगी, तो वह सब्सिडी का पैसा भी बचेगा। दूसरी चीज ये है कि हम जब उत्पादन में अधिक विद्युत का उपयोग करेंगे, अधिक संसाधनों का उपयोग करेंगे, तो कम समय में अधिक वस्तु का उत्पादन, वह भी लागत मूल्य को कम करता है। तो कुल मिलाकर बजट में देखिए साहब, जिसके जेब में जितना पैसा है उससे ज्यादा वो खर्चा कर नहीं सकता, जितना बजट में पैसा है, जितने आय के साधन है, उससे ज्यादा वो व्यय नहीं कर सकती, उसी को ही समायोजित करेंगे। कुछ योजनाओं को स्थिर रखेंगे, कुछ योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देंगे, अपने प्रशासकीय व्यय पर कटौती करेंगे और कर भी रहे हैं। पहले जिस प्रकार से भवनों को मरम्मत के लिए, मंत्रियों को बंगले के लिए जो खर्च किया जाता था, उसके अनुपात में इस वर्ष कम हुआ है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होगी जिसके कारण इनका इसको लाभ मिलेगा, क्योंकि चुनावी वर्ष से इनको करना है। हर राजनीतिक दल चुनाव वर्ष के समय यही करता है और इसके घाटे को अगले 2 वर्षों में पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं कि घाटा होगा, आपका कहना भी ये सही है कि वित्तीय भार बढ़ेगा, पर इसको अगले 2 वर्षों में समायोजित करके दूसरे कार्य में लाते हुए, फिर तीसरे वर्ष समायोजित करते हुए आखिरी वर्ष के लिए बचा कर रखेंगे। यह प्रैक्टिस अब स्टार्ट हो गई है और उसी के अनुसार से कार्य चलेगा। बिल्कुल, आखिरी वर्ष चुनावी वर्ष के लिए फिर से बचा के रखेंगे, लेकिन जो आपने कहा हम आपके पास आएंगे। हमें थोड़ा सा इसमें संशय है, माइनिंग सेक्टर से लेकर के, सिर्फ माइनिंग सेक्टर है, दूसरी तरफ एक तरफ पूर्ण शराबबंदी की बात चल रही है, दूसरा सबसे माइनिंग के बाद मुझे लगता है राजस्व सबसे ज्यादा प्राप्ति इनको राजस्व शराब बिक्री पे है, वो भी अगर इस पे कहीं आप तो उसमें भी कटौती हो जाएगी। तो सिर्फ माइनिंग डिपार्टमेंट से या छोटे मोटे शराबबंदी, मैं मान के चल रहा हूँ कि इस साल ये शराबबंदी नहीं करेंगे, अगले इतना जब देना है तो शराबबंदी करके अपने राजस्व को कम नहीं करेंगे। अगले साल शराबबंदी अगर करते हैं तो भी राजस्व तो खत्म हो जाएगा ना, पंजीयन से कितना आएगा, माइनिंग से कितना आएगा, एक रुपए जो बजट पेश होता है उसमें आप जानते हैं कि जब वो लेखा जोखा बताते हैं, एक रुपए का गोल सिक्का बना के कि हम इतना यहाँ से आएगा, इतना यहाँ से जाएगा, इतना यहाँ जाएगा, ये जो बताते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अनबैलेंस लग रहा है कि पैसा जितना आना है उससे ज्यादा ये खर्च होने की बात हो रही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इस बार खर्च आपको अधिक दिख रहा है, पर जो विकास के कुछ कार्य जो पूंजी निवेश करते थे पूंजी निवेश नहीं करेंगे जी। पूंजी निवेश नहीं करने से जो राशि बचेगी उसको समाज कल्याण में खर्च करेंगे, निश्चित तौर से पूंजी की कटौती होगी जी। समाज कल्याण में विनियोग होगा जी। क्योंकि चुनाव वर्ष है, राजनीतिक लाभ लेने की हर की महत्वाकांक्षा होती है और वो उसका लाभ लेंगे जी। पर दूसरा चीज ये भी देखिए आप, पहले जो सरकार ने प्रतिबंध लगा कर रखा था भूमि के क्रय विक्रय की सीमाओं को लेकर, उससे सरकार को राजस्व की जो घाटे हो रही थी वो राजस्व की पूर्ति अब इससे होगी और वह बहुत बड़ी राशि होगी। पहले सरकार शराब बेच रही थी, अब ये सरकार ना बेच के आम जनता बेचेगी, मतलब वो नीलाम करके बेचेंगे, उससे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होगी। अभी इसके प्रशासनिक व्यय का बोझ पड़ रहा था, अब ये प्रशासनिक व्यय का बोझ नहीं रहेगा, इनके ये संचित होगी और इसका भी ये लाभ लेंगे। पर अगले वर्ष वो शराबबंदी करेंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। पर इस बार के बजट में कम से कम मैं 2 नए जिले बनने की कामना कर रहा हूँ। महाविद्यालय में जो विकास होगा वो उच्च शिक्षा में ना होकर तकनीकी शिक्षा पर ज्यादा होगा, लोग गांव को रोजगार मूलक बनाने के लिए होगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट पर ज्यादा खर्च करेंगे, वो कितना सफल होगा नहीं होगा वो भविष्य के गर्भ पर होगा, पर ये सब चीजें तो ये करके देंगे, क्योंकि जनता के साथ इन्होंने जो वचन निभाया है वो वचन दिया है उसको निभाना पड़ेगा, अन्यथा सामने लोकसभा चुनाव है, उसके बाद स्थानीय निकाय चुनाव है, स्थानीय निकाय के भी कर भार में कटौती इन्होंने करने की बात कही है, संपत्ति कर में। तो एक बात और बता दूं, जब कभी भी कर के दर में कटौती होती है
तब उस समय राजस्व की प्राप्ति अधिक होती है, क्योंकि हर जनता चाहता है कम मांग रहा है दे दे, तो इसमें जो वसूली होती है उसका अनुपात अधिक होता है। मैं तो यह कहूंगा राज्य सरकार ही नहीं केंद्र सरकार को भी कर की मात्रा को कम करने से जो अधिक राजस्व प्राप्त होती है वह ईमानदार राजस्व होता है, अधिक दर लेके उसके कर चोरी या अपवंचन का प्रयास होता है वह पाप की तरह होता है। तो कर के दर को हर स्तर पर कम करके अपने राजस्व को बढ़ाने की चेष्टा होनी चाहिए। कम राजस्व होने पर सर्वाधिक नागरिकों का योगदान और प्रतिभागिता होती है जो राष्ट्र निर्माण के लिए सबका हाथ होता है। बिल्कुल, लेकिन अंत में कहीं न कहीं जीडीपी पे असर आएगा ही, उसका कम जो आप बोल रहे हैं अभी बढ़िया है 6.7 है, लेकिन विकास का मतलब समाज कल्याण। सुनिए जी, मैं आपको बता दूं विकास का मतलब व्यक्ति का स्वास्थ्यगत रूप से कार्य अवधि से उनके वेतन से है, रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी तो विकास दर अपने आप बढ़ेगा, किसानों के विकास की दर बढ़ेगी, उनकी आर्थिक सक्षमता बढ़ेगी तो विकास का दर अपने आप स्थापित होगा। कल कारखानों और मजदूरी के दरों में वृद्धि हो जाने से या बड़े बड़े भवन बन जाने से विकास नहीं होता, व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय पर यह निर्भर करता है। आखिर वो प्रति बढ़ाएंगे कैसे, बात तो यही है ना, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे ना, शुरुआत में तो पैसा लगेगा प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए, बिजली अगर आपको रोजगार पैदा करेंगे तो भी आपके लिए पैसा लगेगा, तो वो दे रहे हैं जी। देखिए साहब, हम आप अपने यहाँ हर बार दीपावली में अपने कर्मचारियों को बोनस देते हैं, ये घाटा नहीं मानते हम, जब कर्मचारी को बोनस मिलता है तो उत्साह से कार्य करता है, आप बोनस देना बंद कर दीजिए उसका उत्साह घट जाएगा जी। चलिए अब ये बात पूछ ही लेते हैं, यह जनता को अपने साथ जोड़ के राष्ट्र निर्माण में संग्रहित करने का प्रयास है। चलिए अवधेश जैन जी, जैसा कि तपेश जी ने बताया बात सही है कि लेकिन जो कांग्रेस का बार बार सरकार का स्टेटमेंट आ रहा है कि बीजेपी सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है उसके कारण माली हालत प्रदेश की सरकार की बहुत खराब है और उस माली हालत को सुधारने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे, इस कारण बहुत सारी चीजों में कटौती होगी, ऐसा आपने क्या कर दिया कि माली हालत खराब कर दी? त्रिपाठी जी, कांग्रेस सरकार वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं कर सकती और नहीं कर पा रही है जी। 45 दिनों में इन्होंने 5,000 करोड़ का ऋण ले लिया जी और प्रदेश के ऋण बोझ के तले दबाते जा रहे हैं जी। इनकी महत्वाकांक्षी घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए अब राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, प्रदेश पे ऋण और अधिक बढ़ेगा जी और प्रदेश में कुल मिलाकर के आम जनता इस ऋण के बोझ तले दब जाएगी जी। एक आदर्श आप बजट की बात करेंगे तो राजकोषीय घाटा कम से कम होना चाहिए, बिल्कुल पूंजीगत निवेश बढ़ना चाहिए जी, आधारभूत निवेश बढ़ना चाहिए जी और सकल घरेलू उत्पादन का 3% से अधिक ऋण किसी भी हाल में प्रदेश का नहीं जाना चाहिए। हाँ। आप ये विचार कीजिए, यदि 1,00,000 करोड़ आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि 1,00,000 करोड़ का इनका बजट है। हाँ। और 5,000 करोड़ ये अभी सही है इसको ले लिए हैं, तो आप आगे सोचिए कि अभी इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए और क्या क्या ये करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में इस विश्व में कुछ भी फ्री नहीं है, हर वो एक हाथ से यदि जनता के जेब में डालेगी तो दूसरे हाथ से जनता के जेब से निकालेगी और वो इसी योजना को अमल करने वाले हैं। अब आप आयुष्मान योजना जो भारत सरकार की है उसको प्रदेश में इन्होंने लागू नहीं किया, केंद्र से जो फंड आ रहा है उसको भी ये लेने को तैयार नहीं है, प्रदेश में स्वयं की इनकी कोई योजना अभी तक क्रियान्वित नहीं हो पा रही है। ये बोलते हैं कि प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में ये इलाज करवाएंगे तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है, तो पहले बजट में वैसा होती उसके बाद ये भाजपा सरकार की योजनाओं को बंद करते, परंतु ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बजट में बाद में वैसा करेंगे, पहले योजना बंद कर दिया, 2 महीना लगभग के शासन को हो रहा है और प्रदेश में आम जनता को प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है और भाजपा सरकार की योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके अतिरिक्त भी जी, आप ये विचार करिए, ये इनकी घोषणा पत्र को पढ़िए, आप शराबबंदी करेंगे 6,000 करोड़ का। हाँ। आप युवाओं को आप इनके विकास में पैसा देंगे 3,000 करोड़ का, आप बुजुर्गों को पेंशन देंगे 2,000 करोड़ का, आप 6,000 करोड़ का ऋण माफ करेंगे, आप बोनस देंगे 1,000 करोड़ का। आप ये विचार करिए, इनके टोटल हम आंकड़ा लगा रहे हैं लगभग 35,000 करोड़ का इनको फंड जा सकता है जी। यदि ये 35,000 करोड़ ये इनके पास में दूसरे मत से लाएंगे, ये कहते हैं कि मनरेगा के मत को उपयोग करेंगे।
भाजपा सरकार जब मनरेगा के मत का दूसरे मत में उपयोग करना चाहिए तो ये पूरा रोड उतर के विरोध की, बोले कि मनरेगा का फंड का उपयोग दूसरे मत में नहीं होना चाहिए। आज केंद्र शासन से प्राप्त मनरेगा फंड का आज ये दूसरे मत में उपयोग करना चाहते हैं। तो ये इस प्रकार अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करने के लिए इस पूरे प्रदेश के अनुशासन का पालन नहीं करेंगे। अवधेश जी, एक सवाल है छोटा सा, फिर हम कांग्रेस प्रवक्ता भी बैठे हैं। आपने कहा 45 दिन में इन्होंने 5,000 करोड़ का कर्ज ले लिया, 15 साल में आपने कितने का लिया जी? आप वही तो त्रिपाठी जी, वही तो आपको इसको जानकारी लेना होगा जी। हमने 15 साल में प्रति वर्ष का यदि आंकड़ा लेंगे तो वो 1.5 से 2 हजार करोड़ का ही आंकड़ा है ऋण का जी, और इनका 45 दिन में 5,000 करोड़ का है। अब आप ये सोचिए इस वर्ष से क्या करने वाले हैं, और यदि इनकी घोषणा पत्र आप पढ़ेंगे तो 35,000 करोड़ की आवश्यकता है। अभी मैं कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ रहा था, वन्य जीवों के खाने के लिए वहां धन नहीं है, वहां बजट नहीं है। तो एक मत का उपयोग, फंड का उपयोग दूसरे मत में करेंगे तो ऐसे ही वित्तीय अनुशासन हर जगह पालन नहीं होगा, और इस अनुशासन हिंदा का परिणाम आम जनता भुगेगी, प्रदेश के जीव जंतु भोगेंगे। और आप इस 5 वर्षों में इस वित्तीय अनुशासन को पालन नहीं करने के कारण जो पश्चिम बंगाल का स्थिति रिजर्व बैंक की है, रिजर्व बैंक वित्तीय अनुशासन के मामले में पश्चिम बंगाल को बुरे श्रेणी में रखती है। आज 15 वर्ष में रिजर्व बैंक ने छत्तीसगढ़ को श्रेष्ठ श्रेणी में रखा है, और आगे इन 5 वर्षों में इस वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं करने से हम भी बुरे श्रेणी में आ जाएंगे, जो कि सामने दिख रहा है। ये तो भविष्य के उसमें है, कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ सुरेंद्र जी। जो अवधेश जी कह रहे हैं, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा त्रिपाठी जी मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 31 मार्च 2018 के पहले जो बजट हमारा हुआ था, 2018 में बजट आया था, उसमें लगभग बजट का 46% हमने अनुसूचित जाति और जनजाति बंधुओं के लिए रखा था। लगभग 4,000 करोड़ की युवाओं के लिए योजना रखी थी, शिक्षा के लिए लगभग 12,000 करोड़ की व्यवस्था बनाई थी। यदि इस बजट का शिक्षा के लिए उपयोग होता है, युवाओं के लिए उपयोग होता है, रोजगार के लिए उपयोग होता है, अनुसूचित जाति जनजाति जिनके बल पे कांग्रेस सरकार आई है, उन क्षेत्रों के ढांचा का तो सामाजिक विकास के लिए उपयोग होता है, उसको ये मेंटेन रखते हैं, तब तो हम मानते हैं इनका सरकार में आना किसी प्रकार से अपनी बातों को उन जनता के प्रति जो इनको आपने बजट अपना पेश किया, आपकी अपनी सोच रही होगी, वो उनकी अपनी सोच है, वो भी 5 साल चलाएंगे ही, उनकी अपनी प्रायोरिटी होगी, आपकी अपनी प्रायोरिटी है नहीं। लेकिन आपने कहा हर साल 1.5 से 2 हजार करोड़ हर साल ले रहे थे ना आप, 2,000 करोड़ लेते तो 15 साल में सीधे सीधे 30,000 करोड़ होता है, 30,000 करोड़ तो आपने भी लिया कि नहीं लिया जी। पर आपको मैं फिर मैं आपको बताना चाहूंगा सकल घरेलू उत्पादन का 3% से कम तक का ऋण लिया जा सकता है। हाँ। ये वित्तीय अनुशासन में शामिल है, इसलिए ही हम रिजर्व बैंक के हम श्रेष्ठ श्रेणी में वित्तीय अनुशासन के। यदि आप इस वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, आप 45 दिन में कांग्रेस सरकार 5,000 करोड़ का ले ली, आप इनके घोषणा पत्र को देखिए, 1 वर्ष में 35,000 करोड़ जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में ये वित्तीय अनुशासन का पालन कहाँ कर पाएंगे? अब आगे आपको ये विचार करना पड़ेगा। तपेश जी ने बताया है कि कहाँ से इनकी आय होगी। बजट का होता है 1 रुपए के हिसाब से देखते हैं कि कितने पैसे कहाँ जाएगा, कितने पैसे कहाँ से आएगा। अब वो कल वो पेश करेंगे, वो बताएंगे ही कि कितना हम कहाँ से लाएंगे और कहाँ हम कितना देंगे। सुरेंद्र जी, जैसा कि अवधेश जी बार बार आरोप लगा रहे हैं, त्रिपाठी जी एक मिनट, सुरेंद्र जी की फिर हम आपके पास आएंगे। सुरेंद्र जी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि आपने 5,000 करोड़ का लोन ले लिया। उनका कहना है कि जो बीजेपी की सरकार की योजनाएं चल रही थी, आपने देश बस उनको बंद करना चालू कर दिया, लेकिन उनका कोई अल्टरनेट तैयार नहीं किया है। लेकिन हमें यह सवाल अलग है, हम यही कि आप लाएंगे कहां से पैसा। मुझे थोड़ा सा तपेश जी ने बताया है कि आएगा ऐसा, लेकिन मुझे थोड़ा शंका है कि आएगा कैसे, थोड़ा आप बताएंगे क्या? जी जी त्रिपाठी जी, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि बीजेपी के राज में इनके तथाकथित सुशासन के चलते जी 45,000 करोड़ का ऋण जो है प्रदेश के ऊपर आज कांग्रेस सरकार आने के पहले तक जी लग चुका था, कर्ज का भार चढ़ चुका था जी। और रही बात बजट में पैसा आने की, तो छत्तीसगढ़ में पहली बार एक
किसान परिवार का एक प्योर किसान मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार के रूप में यहाँ पे अभी आई है जी। तो इनका जो प्लान है ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बार बार वही बात हो रही है कि घोषणा पत्र के हिसाब से 35,000 करोड़ ऐसे बांटने में निकल जाएगा। तो ये घोषणा पत्र जो है ये 5 साल के लिए बनाया जाता है, कांग्रेस का ये कमिटमेंट है जी। इसमें लिखी हुई एक एक बातें कांग्रेस 5 साल के भीतर जनता को मुहैया कराएगी और पार्टी का जो ब्लू प्रिंट है, जो लाइन है काम करने का, वो इसी पे आधारित होगा। ये क्लियर है, आधारित होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं सुरेंद्र, 50 दिन में सुरेंद्र जी मेरी शुभकामनाएं हैं कि जनता की भलाई के लिए आपने जो वादे किए हैं घोषणा में लिखा है उसमें जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने के लिए लिखा है, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? सबसे बड़ी बात यह है 45,000 करोड़ रुपए मुझे लगता है, 45,000 करोड़ रुपए मुझे लगता है 2000 से 2019 के बीच का होगा, न कि केवल बीजेपी सरकार, 2.5 साल आपके भी रहे होंगे उस दौरान, तो इसलिए आएगा कहां से? सबसे बड़ी बात यह है जी, मैं उसी पे आ रहा हूं त्रिपाठी जी। छत्तीसगढ़ जो है यहां लगभग 70% कृषक कृषि कार्य में संलग्न है, जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी स्वयं किसान होने के नाते किसानों की पीड़ा को समझकर आते ही 50 दिन के अंदर जो 16 बड़े निर्णय लिए उसमें पहला निर्णय था किसानों का कर्जा माफ जी, दूसरा निर्णय था इनका समर्थन मूल्य जो लागत मूल्य के हिसाब से 50% लाभ को शामिल करते हुए जो 2014 के केंद्र के मोदी सरकार के घोषणा पत्र में था, वही बात जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में कही गई थी उसको पहली बार देश के अंदर किसी ने लागू किया, तो आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में लागू किया। इसके माध्यम से जो भी पैसा अभी तात्कालिक रूप से दिख रहा है कि राजस्व की हानि है, लेकिन अन्नदाता को इस समय अगर सपोर्ट नहीं किए तो अभी एक नाबार्ड की भी लेटेस्ट रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि देश भर में किसान जो है 90% किसानों की स्थिति ऐसी है कि वो उनकी नकारात्मक इनकम है, वो अपनी लागत निकाल पाने में समर्थ नहीं है जी। ऐसी परिस्थिति में जहां 70% कृषि पर आधारित लोग रहते हैं छत्तीसगढ़ में, अगर अन्नदाताओं को मदद नहीं की गई तो यहां का जो पूरा सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। इस कागार पर अभी पिछले 15 वर्षों के कुशासन में किसान पीड़ित और शोषित हुआ है कि सरवाइव करने के उनके पास में अवसर लगभग खत्म हो चुके हैं। सवाल तो एक सरकार के रूप में जब ये आपने बिल्कुल सही कहा, अवधेश जी आरोप लगा रहे हैं, अवधेश जी का आरोप है कि सुरेंद्र जी जो जनहित की योजनाएं चल रही थी, बीजेपी आयुष्मान को भी आपने नहीं लिया, उन्होंने खुद कहा कि केंद्र का जो बजट है आयुष्मान के लिए वो भी आपने रिफ्यूज कर दिया, आप पहले उसका अल्टरनेट तैयार करते फिर योजनाओं को बंद करते ना, कि 2 महीने के अंदर सारी योजनाएं बंद करके नई सर बिल्कुल उसी लाइन पे सर जी सर उसी लाइन पे आ रहा हूँ। एक जैसे आज बड़ा आज के न्यूज़पेपर में भी आपने भी पढ़ा होगा, एक बड़ा समाचार है कि चिकित्सा के नाम पे किस प्रकार से पाठ्यपुस्तक निगम जैसे जगह से 5,000 करोड़ की बंडल बात की गई, उसी प्रकार से जो कार्ड और कमीशन का खेल चल रहा था उसको तत्काल रोक लगाना उस पर जरूरी है, प्रदेश के बजट के हित में, प्रदेश की योजनाओं के हित में उसके लिए अल्टरनेट व्यवस्था की जा रही है, बिल्कुल जो पूरी तैयारी हो गई है, जिस प्रकार से आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव जी अभी थाईलैंड में वहां के कम्युनिटी मेडिकल सिस्टम का जो अवलोकन करने गए थे उसके हिसाब से जो कार्य किए जा रहे हैं, सारे जिला अस्पतालों में सारे गंभीर बीमारियों की इलाज की व्यवस्था हो, दवाइयों की बजट से जुड़ा नहीं मामला है, आप जो बेहतर काम कर रही कांग्रेस आप उसको बता रहे हैं, सवाल सीधा सीधा है बजट से सर है। सर बजट के लिए बजट हाँ बजट सर बजट में जो जहां तक आपका जो सवाल है कि बजट में पैसा कहां से आएगा, आपने एक भी बात नहीं जो कहा किसानों की जो मदद की जा रही है ये पैसा सर मैं उसी पे आ रहा हूँ जो किसानों के पास में जो पैसा जा रहा है जो 750 रुपए समर्थन मूल्य में एक्स्ट्रा उनको मिल रहा है वो कहीं ना कहीं मार्केट में आएगा। अभी जैसे अपन बात कर रहे थे कि 60 जो कुल आय का जो राजस्व प्राप्तियां हैं उसमें 46% जीएसटी से प्राप्त होती है राज्य सरकार को, 14% वेट से आता है जो पेट्रोल डीजल पे वेट लगता है, ये 60% हिस्सा तो यही है जो उपभोक्ताओं से वसूल किया जाता है वसूल होता है उनके माध्यम से आता है, तो 70% लोग गांव में रहते हैं और खेती किसानी से जुड़े हैं, तो किसानों की मदद होगी, कृषि उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, कृषि व्यवसाय में लोग लाभान्वित होंगे, तो ये पैसा कहीं ना कहीं मार्केट में आएगा,
उनका जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ेगा, तो टैक्स के रूप में जो राजस्व मिलता है जो 60% हिस्सा है उसमें वृद्धि होगी, तो निश्चित रूप से जो हमारा जो जीएसटी और वेट का जो 60% हिस्सा है जी, जो कुल आय का, वो बढ़ेगा। इसके साथ ही जैसा गुप्ता जी की एक बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि जो लीकेजेस हैं, जो भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का जो अभी तक चलते आया है उसमें लगाम लगेगा, तो उससे बहुत मदद मिलेगी, राजस्व को मजबूती मिलेगी। चलिए चलिए, जो कांग्रेस जो कहती है वो तपेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन तपेश जी आप अपनी जो उन्होंने कहा उस पर आप तपेश जी कहिए, लेकिन एक सवाल मेरा भी है थोड़ा सा, ये जब श्रम बढ़ता है, चाहे किसान ज्यादा श्रम करेगा तो उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे विकास बढ़ेगा, लेकिन यहाँ जो 60 साल के अधिक से उम्र वाले किसानों को भी पेंशन देने की बात कह दी, यहाँ तक कि 10 रुपए प्रति किलो चावल वाली बात कह दी, इससे तो और अकर्मण्यता बढ़ेगी। अकर्मण्यता जब किसी भी राज्य या देश में बढ़ती है तो उसमें विकास दर बढ़ते नहीं है, घटता है। मुझे मेरा जो सोचना है, आप अर्थशास्त्री हैं ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए सबसे पहले चीज से ये स्पष्ट कर दो, मैंने ये कतई नहीं कहा कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार की इस कारण ये हुआ जी, या भ्रष्टाचार में लगाम लगने से राजस्व बढ़ता है, ये मेरा तात्पर्य था जी। और कोई भी वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है, चाहे वह भारत साधक वित्त मंत्री ही होता है, चाहे वह मुख्यमंत्री हो या वित्त मंत्री हो जी, वो अर्थव्यवस्था का चिंतन करते हुए करता है जी। अब जहाँ तक बात टूटती है कि मुफ्तखोरी, मैं शब्द बहुत कड़वा उपयोग में लाता हूँ, मुफ्तखोरी की अर्थव्यवस्था से सामाजिक चेतना भले ही जाग जाती है पर आर्थिक विकास नहीं होता। हम सामाजिक चेतना जगा के वोट बटोर सकते हैं, राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते, पर वहां पे भी आवश्यक हो जाता है जहां पे मुफ्त में अगर अनाज न देने पर अपराध आदि का भय पैदा हो जाता है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में अगर आपके जेब में 10,000 है मालूम हो जाए तो आपको रास्ते में अपहरण कर लेंगे, आपकी हत्या कर देंगे। तो यदि यह है स्थिति आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की ना बिगड़े, इसके लिए यहाँ पे जरूरी होता है। यह स्थिति ना हो कि कोई व्यक्ति भूखा सो जाए, इसके लिए भी ऐसी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है, क्योंकि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला है। बजट प्रस्तुत किया जा रहा है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं किया जा रहा है, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखना पड़ता है, पूंजीवाद को भी ध्यान में रखना पड़ता है, साम्यवाद को भी ध्यान रखना पड़ता है। यही कारण है कि 25 पैसे में भी आज पोस्ट कार्ड मिल रहा है, ट्रेन में सफर करने के लिए जनरल बोगी से लेकर ऐसे फर्स्ट क्लास तक की व्यवस्था है। तो ये सब व्यवस्थाएं जो है ये इसी के अंतर्गत समाहित है। कई बार कुछ योजनाएं देखिए, अब पूर्ण रूप से बजट का राजनीतिकरण हो चुका है। मैं 4 चुनाव से देख रहा हूं, राष्ट्रीयता कहीं भी नहीं है, शुद्ध रूप से राजनीतिक लाभ और सत्ता पे आसीन होने के लिए इस प्रकार की घोषणाएं हो रही है। हर बजट में, हर सरकार के बजट में लगातार घाटा का अनुपात बढ़ रहा है। अब ये घाटे की पूर्ति आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे और यह नहीं हो पा रहा है, फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर विकास दर बढ़ा हुआ दिखता है। पहले हम 11वें नंबर पे थे, आज ही प्रधानमंत्री जी बता रहे थे अगर राज्यों के समूह को जोड़े तो राष्ट्र का निर्वाण ही तो होता है। पहले 11वें नंबर थे, अब हम 6वें नंबर पे आ गए विकास की गति पे। ये लगा हमारी आर्थिक संबलता 11वें से 6वें नंबर पर। मैं उसकी गहराई में जाना चाहता हूँ, वो कैसे रहा? ये जो खाद्य बिल है उसके तहत 1 रुपए किलो गेहूँ, 2 रुपए किलो चावल पूरे देश में दिया जा रहा, अकर्मण्यता बढ़ रही है, लोग जो मजदूर है इसको अकर्मण्यता बढ़ रही है। ये क्या होता है, बढ़ कैसे श्रम जो है, देखिए साहब जी, नहीं नहीं देखिए बढ़ती कैसी, आपको ये बता दूं, मैं अपने आय का एक बड़ा हिस्सा यदि अगर सिर्फ खाने पे खर्च करने लगूं, हाँ, तो मेरे चिकित्सा पर, मेरे जीवन स्तर के अन्य आवश्यक सामग्रियों पर अनुपातिक तौर पे व्यय नहीं कर पाऊंगा, मैं शारीरिक रूप से अक्षम हो जाऊंगा और आपसी संघर्ष की स्थिति पैदा होगी, द्वंद्व पैदा होगा। पर यदि अगर आप किसी को भोजन, कपड़ा और मकान जैसी सुविधाएं दे देते हैं तो वह उससे आगे चल के मानव की इच्छा अनंत होती है, वो अनंत आवश्यकताओं के लिए कमाता है। आप और हम सिर्फ रोटी के लिए नहीं कमाते,
हम और आप रोटी के बाद अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भी सोचते हैं। यहाँ पे शिक्षा पर भी छूट की बात उठ रही है, यहाँ ऐसा पर सोचने वाले कितने तो मनुष्य जो है। तपेश जी, जब से ये बिल आया है, सात साल हो गए, उसके बाद से कितनी प्रगति हो गई, कितने लोगों ने ये करके, मुश्किल से 5-10% ऐसे लोग हैं जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, जिन्होंने आगे बढ़ के, आप बीपीएल कार्ड किसी भी देश की, प्रदेश छत्तीसगढ़ की आप सुन लें, जब कोई छत्तीसगढ़ अगर विकास करता है तो बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या कम होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या हर साल बढ़ रही है, तो फिर किस बात का विकास? देखिए, कुछ चीजें जो अभी कही गई थी फिर मैं उसको दोहराऊं कि हमारे प्रशासनिक स्तर पर कुछ कमजोरियां हैं जिसमें कसावट करेंगे तो यह परिणाम सकारात्मक होंगे। आज भी व्यक्ति अपने आप को बताता नहीं है साहब कि डेली वेजेस में काम कर रहा है या मजदूरी मिल रहा है या मनरेगा में मिल रहा है। अब ये आधार कार्ड से जब से लिंक किए हैं तो इसके अनुपात में फट से गिरावट आई है। ऐसे ही कसावट के देखिए, हर देश का हर नागरिक ईमानदार हो यह आवश्यक नहीं है और यह संभव भी नहीं है। हमारी कोशिश है कि उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसके जीवन स्तर को संभल कर दिया जाए। जब मजबूत आपका नागरिक होगा तो मजबूत आपका श्रमिक होगा, मजबूत आपके कर्मचारी अधिकारी होंगे, परस्पर विश्वास पैदा होगा, अपराध की कटौती होगी। यदि अगर यह आपने नहीं किया तो अपराध पर सुरक्षा पर होने वाला व्यवहार इससे 10 गुना ज्यादा होगा। इस कारण अर्थव्यवस्था की सिद्धांत से कि खाद्य सामग्रियों का मूल्य कम होना चाहिए, मैं पक्षधर हूं और इस चीज को मैंने काफी गंभीरता से देखा है और यह चीज पाया भी है। जब हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है और उसको हम सड़ा रहे हैं तो उसका अच्छा है कि उसे हम कुछ मूल्य पर, तुच्छ मूल्य पर दें पर उसका समुचित उपयोग हो। अच्छे क्वालिटी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा निर्यात का अनुपात भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हम अनाज का निर्यात नहीं कर रहे हैं। समर्थन मूल्य में 2500 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य के बाद तो सरकार पे और ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। ठीक है, 10 रुपए किलो अगर किसी को दे रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है, निश्चित तौर पर पड़ेगा तो उसको लाएंगे। मेरा कहना ये है, पैसा आएगा एक समय तक ये चलेगा। सर सुनिए ना, अभी क्या है, ये 1-2 साल कर लेंगे जी, ये सत्ता की राजनीतिकरण है जी, और ये सत्ता के राजनीतिकरण का ध्रुवीकरण होगा जी। सिर्फ ऐसा नहीं कि कांग्रेस कर रही है, यही का काम बीजेपी भी करेगी, यही दूसरी पार्टी भी करेगी जी। हर किसी को सत्ता में बने रहने के लिए ये कार्य देना पड़ेगा, पर एक समय आएगा, नई नई सिफारिशें आएगी, आपको वित्तीय परामर्श मानना पड़ेगा और ये मुफ्तखोरी का स्वरूप बदलना पड़ेगा और इसको खत्म करना होगा। अंशकाल के लिए ठीक है, अभी 5 साल चल गया, 1 साल और 5 साल चल जाएगा, पर बाद में ये स्वयं इस चीज को महसूस करेंगे और ये लोग बाग मानने लगेंगे, अरे वो तो मुफ्त का चावल खाता है। ये जिस दिन ये भावना आ गई, अनाज के प्रति सम्मान खत्म हो रहा है, अनाज के प्रति, अनाज से स्वाभिमान भी जागना चाहिए, अगर यह जाग जाएगा उस दिन देश अपने आप हम लोगों ने मुफ्त में बांटने की योजना बनाई। ये बताइए, सरकार ने मुफ्त में मोबाइल भी बांटा, क्या हंस रहा है? चलिए, वो कुछ समय बाद ये स्थिति आएगी जी, तो ये परिणाम मिलेगा। आप कितने भी देते रहिए, अरे अनाज देते तो मोला खरीद ले इसका, छत्तीसगढ़िया कहेगा। सर सही कहा आपने, वही पे जितना ही मुफ्त होगा उतना ही अकर्मण्य होगा, उतना अकर्मण्य होगा तो उतना ही विकास उस प्रदेश का नहीं होने वाला। ये हमारा सवाल आपसे नहीं था, हमारा सवाल ये था कि लगातार बीपीएल कार्ड धारक बढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ जा किधर रहा है, गरीबी की ओर बढ़ रहा है या विकास की ओर बढ़ रहा है? गरीबी की ओर नहीं बढ़ रहे साहब, कार्ड धारकों की ओर बढ़ रहा है। हर कोई किसी न किसी जुगाड़ से, व्यवस्था से कार्ड को धारण करने की कोशिश कर रहा है। व्यक्ति चरित्रगत रूप से इतना नीचे गिर गया है कि अपने आप को गरीबी रेखा के मिलने वाली सुविधाओं का लाभ ले रहा है। आज किसी व्यक्ति की 5,50,000 तनख्वाह है साहब, तो 5,50,000 में खुश नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम है इनकम टैक्स लग जाएगा, वो कोशिश करके 4,99,000 बताना चाहेगा। हमारी कर और योजनाओं की नीति ऐसी होनी चाहिए कि हम अपराध करने से बचे, पर हम इस प्रकार की योजनाएं लगा के अपराध करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप ये सोचिए, इसमें लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, वास्तव में आप भी कई बार न्यूज में, आप ही लोग भी पढ़े इस न्यूज को कि कुछ लोग जो है
गरीबी रेखा के नीचे कार्ड धारक है और है लखपति और करोड़पति, तो उसके लाभ लेने के लिए लोगों ने अनुचित साधन अपनाए, कि इस पर नियंत्रण होगा तो इसके योजनाओं पे होने वाले अनावश्यक व्यय भी नियंत्रित होंगे। चलिए तपेश जी, कल ये मालूम पड़ेगा हर चीज, जितनी घोषणाएं हुए हैं, संपत्ति कर आधा कर देंगे, 60 साल से ज्यादा के किसान जो होंगे 60 साल की उम्र से उनको पेंशन देंगे, हम समर्थन मूल्य दे देंगे, किसान मुक्त कर देंगे, बिजली आधी कर देंगे, ये राम राज्य हो जाएगा। लेकिन कल ये मालूम पड़ेगा लाएंगे भी कहाँ से, माइनिंग और दो तीन सेक्टर के अलावा है कहाँ से आय के साधन। इन्होंने कहा है, इन्होंने एक लाइन कहा है जी कि 5 वर्ष में हम करेंगे, इन्होंने 5 वर्ष कह दिया। अभी तत्काल करने की आवश्यकता नहीं है, जो चीजें उन्होंने कही थी कि हम तुरंत 10 दिन में 15 दिन में महीने भर में कर देंगे, तो 3-4 चीजें उन्होंने कर दी है, बाकी 5 वर्ष से पूरा करेंगे वो, नहीं करेंगे तो फिर जनता के सामने जाना है। अवधेश जी क्या कहना चाह रहे हैं? अवधेश जी जी, मैं ये अभी कांग्रेस प्रवक्ता स्वयं अपने श्रीमुख से स्वीकार करे कि जीएसटी और वेट बिल से जो आय आएगी उससे वो अपना काम पूरा करेंगे। चलिए मोदी जी की योजनाएं कम से कम इनको लाभ तो देंगी, और दूसरा मनरेगा को आधार से जुड़ा, गुप्ता जी ने ऐसा कहा जी। मैं मनरेगा आधार से जुड़ा, तो कम आधार से जुड़ा तो ये भी मोदी जी का आभार है कि इस प्रकार के बीच के जो भ्रष्टाचार जो कांग्रेस सरकार में होते थे जी, और वो भ्रष्टाचार खत्म करके सीधे आम जनता तक वो पैसा लाभवंतित कर रहा है जी। तो इस प्रकार आपको त्रिपाठी जी नजर आ रहा है स्पष्ट रूप से कि किस प्रकार कांग्रेस सरकार का फंड बीजेपी योजनाओं से प्रभावित है। आपको मैं एक चीज और बताऊंगा जी, 14वें वित्त अपने वित्त आयोग के उस मोदी जी ने राज्य सरकार को स्वायत्तता बढ़ाते हुए राज्य सरकार की उन्होंने 76,000 करोड़ का प्रावधान किया और उसको लगभग 32% से 42% अधिक बढ़ा दिया। मतलब जो केंद्र से राज्य सरकार को फंड मिलता था वो 42% अब मिलता है, ये मोदी जी ने किया। तो ये फंड का बड़ा भाग भी केंद्र सरकार से इनके पास आएगा। मतलब आपके पास जो फंड है आप स्वीकार कर रहे हैं कि वो भाजपा सरकार से आ रहा है। चलिए तो स्वीकार कर लिया, लेकिन करेंगे तो फिर अच्छी बात है ना, रिकॉर्डेड है वो। फिर अवधेश जी, फिर आपको त्रिपाठी जी क्या है, त्रिपाठी जी के पास फंड आ रहा है पर्याप्त? त्रिपाठी जी जी, नहीं नहीं, फंड पर्याप्त नहीं आ रहा है, इससे 1,00,000 करोड़ पूरा नहीं हो जाएगा जी। इससे 1,00,000 करोड़ पूरा हो जाता तब तो प्रदेश के रेवेन्यू की आवश्यकता ही नहीं थी, तब तो 5-6 करोड़ के ऋण की आवश्यकता ही नहीं थी। आप ये एक दिन में कर देते, ये बार बार जो कर्जा माफ बोल रहे हैं जी, ये कर्जा माफ नहीं हुआ है, ये जनता का धोखा है। इनके मुख्यमंत्री स्वयं अभी एक आम सभा में गए थे, वो पूछे कर्जा माफ हो गया, जनता बोली नहीं हुआ, जनता से वादे नहीं हुआ, मुझे नहीं मिला, जनता खोज रही कर्जा माफ का हुआ। आप लिंकिंग के किसान के पैसे को किसान को वापस करके आप बोल रहे हैं कि कर्जा माफ हो गया। पहली बात तो 10 दिन में आपने कर्जा माफ नहीं किया, आपने 10 दिन में शराबबंदी की बात की थी, आप उसमें आप अध्ययन कर रहे हैं, आप अध्ययन के बिना शराबबंदी की घोषणा कर दिए। अब शराबबंदी अब बंद करेंगे आप तो आपका फंड नहीं आएगा, तो आप शराबबंदी कैसे करेंगे? अब दारू वाले काका कैसे शराबबंदी करेंगे? अब तो जनता को दारू पिलाएंगे तभी तो उनको फंड मिलेगा। इस प्रकार की जो ये बातें हैं, जैसे आप मोदी जी के बजट को देखिए, अवधेश जी एक मिनट, सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी 2 मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मोदी जी ने जैसे किसान सम्मान निधि बनाई, 6,000 रुपए प्रति किसान को देश भर में दिया जाएगा, तो मतलब पहले उन्होंने बजट का प्रावधान किया फिर घोषणा की किसान सम्मान निधि की, ये अनोखी सरकार कांग्रेस की, पहले घोषणा कर दिए अब अध्ययन कर रहे हैं, शराब पे अध्ययन कर रहे हैं, बोनस पे अध्ययन कर रहे हैं, ऋण माफी पे अध्ययन कर रहे हैं, 5 साल की बात आ गई। मतलब आपकी जितनी बातें थी वो बिना अध्ययन के बिना बजट के घोषणा कर दी, अब आप अध्ययन करेंगे, अब आप बजट लाएंगे 2014 में, बहुत पहले बजट की घोषणा करनी थी फिर घोषणा करें। 2014 में बहुत सारी आपने वचन पत्र में और मोदी जी ने अपने घोषणा पत्र में बहुत सारा वादा पूरा घोषणा कर दी थी जो अभी तक धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। 5 साल की मोदी जी की सरकार से देश का जो सकल घरेलू उत्पादन है और देश का जो विकास है, जीएसटी से प्रति माह जो कलेक्शन है वो किसी से छुपा नहीं है, विश्व आज हमारा लोहा मान रहा है, हम जिस प्रकार से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है वो किसी से छुपा नहीं है, इसलिए मोदी जी की तो योजनाओं को लोहा विश्व मान रहा है, हम लोगों को भी मानने की आवश्यकता है। मैं भी मानता हूँ अवधेश जी, लेकिन आपके जीएसटी पे कम से कम 60 से 70 बार संशोधन हुआ है, 60 से 70 बार संशोधन किया है आपने। कोई भी जीएसटी खैर कोई भी अच्छी चीज आती है
सुरेंद्र जी जी त्रिपाठी सर, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो हमारे भाजपा के मित्र अवधेश जी सॉरी भाजपा के मित्र हमारे अवधेश जी ने जो बात कही कि जीएसटी मोदी जी की देन है जिसके कारण से प्रदेश सरकार को इतना बड़ा राजस्व मिल रहा है, तो एक चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आय का जो मेन साधन है वो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, और इसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट का शुरू से, अभी का नहीं है, प्रारंभ से ही जो आय का लगभग 60% हिस्सा पहले वाणिज्यिक कर के रूप में होता था वो 2005 से वैट में हो गया, उसके बाद जब से अभी जीएसटी लागू हुआ है 2017 से जीएसटी में तीन हिस्से होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, इसलिए कांग्रेस पार्टी जीएसटी का विरोध कर रही है। मैं एक चीज बोला हूं, कांग्रेस पार्टी जीएसटी का विरोध कर रही है। मेरी बात पूरी होने दीजिए अवधेश जी, बीच में मैंने टोका था। तो जो जीएसटी का जो स्टेट का कोटा है जो वैट की भरपाई के रूप में स्टेट को मिल रहा है उससे यह 40% आ रहा है, ये केंद्र सरकार का कोई एहसान नहीं है, ये राज्य सरकार का हक है। और रही बात जीएसटी लागू करने की, तो जीएसटी जिस हड़बड़ी में बिना टेस्टिंग के लागू ना, वर्मा जी विरोध क्यों किया बताइए ना, हम क्यों किया बताइए ना, हम सिस्टम का विरोध कर रहे हैं जो चार टाइप का टैक्स स्लैब जो है 28% जो है दुनिया में किसी भी देश में नहीं है, जो यहाँ सीमेंट जैसे सीमेंट आपके समय में, हमारे समय में जो जीएसटी बना था 35 था, कहीं 55 था, कहीं 51 था, जो जीएसटी कर की योजना भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने लाया, एक कर है ही नहीं, एक कर पेट्रोल डीजल पे क्यों नहीं लगा रहे जीएसटी, एक कर जीएसटी जो है बिना तैयारी के लागू किया गया है, जीएसटी कोई भी देश में कुल बिना तैयारी के बिना तैयारी के द्वारा लागू किया गया है, जो कि जिसके कारण से छोटा और मध्यम व्यापारी पीस के रह गया है। इसमें प्रक्रियागत व्यवहारिक दिक्कतें इतनी है कि एक आम बताइए हाँ फॉर्मेट में दिक्कत है आज, क्या, तक क्या दिक्कत, आज जीएसटी का ऑडिट का फॉर्मेट आज तक नहीं आया है, जो एनुअल रिटर्न में ऑडिट में भरना है उसका फॉर्मेट नहीं आया है, नहीं फॉर्मेट क्या दिक्कत क्या बताइए ना, फॉर्मेट क्या है, हम तो पूरा फॉर्मेट दे चुके हैं, दिक्कत क्या बताइए, आप देखिए उसमें जीएसटी दिखाइए कहाँ है वो फॉर्मेट, देख लीजिए व्यापारी से पूछिए किसी व्यापारी से बताइए ना कौन सा है, बिना तैयारी के लागू किया गया है, अधूरी का सरकार सपोर्ट नहीं करता, आपको तैयारी जाना चाहिए, आपको तैयारी जाना था, अभी बजट में चर्चा करिए, जीएसटी विषय नहीं है, प्लीज बजट पे आ जाइए, बिल्कुल 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 बस्ती पे आ रहा हूँ। दूसरी चीज केंद्र सरकार के अनुदान की बात करते हैं, केंद्र सरकार जो केंद्रीय पुल का कोटा होता है धान खरीदी में, इस बार बम्पर फसल के चलते बहुत भारी मात्रा में धान खरीदी हुई है, वो कोटा भी केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है, ये अधूरा ज्ञान है आपका, केंद्र सरकार ने जानी है, आप बताइए सुरेंद्र जी, बात यहाँ यह हो रही है पैसा की बात कर रहे हैं, एक रुपए में कितने पैसे कहाँ कहाँ खर्च करके बात कर रहे हैं, आएगा कहाँ से ये बात नहीं आ रही है, बिल्कुल मैं भाई मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ त्रिपाठी जी, जो भूपेश जी का जो कॉन्सेप्ट है नरवा गरवा घुरवा बारी, कृषि अर्थव्यवस्था की मजबूती से जो पैसा मार्केट में आएगा वो तो मनरेगा के पैसे करेंगे आप, नरवा गरवा घुरवा बारी आप तो मनरेगा के पैसे, आप 15 साल चला लीजिए, ये पहला बजट है हमको कर लेने दीजिए, आप मिलेगा बिल्कुल, मनरेगा के पैसों को केंद्र देगा बिल्कुल बिल्कुल, आप पैसा कहाँ से लेंगे ये बताइए ना, आप नरवा गरवा, अरे आप उसकी चिंता मत करिए, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा, सारे काम वैसे ही होंगे, बिल्कुल पैसा केंद्र देता है, आप बताइए फंड कहाँ से लाएंगे, ये हम वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं, कृषि अर्थव्यवस्था में जो ताकत मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, बताइए जनता सुनना चाह रही है, हाँ बिल्कुल वही बोल रहे हैं, जनता सुनना चाह रही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कृषि अर्थव्यवस्था में जो मजबूती आएगी उसके माध्यम से जो रोजगार के अवसर गांव में जनरेट होंगे, लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको काम मिलेगा, पैसा कहाँ से बिल्कुल वहीं से आएगा, वो जो पैसा 12-13 हजार करोड़ रुपए कर्ज माफी और बोनस के रूप में एक्स्ट्रा जो मिल रहा है वो परचेसिंग पावर बढ़ेगी, बिल्कुल कर्ज माफ कर रहे हैं, हाँ परचेसिंग पावर बढ़ेगी, कहाँ से लाएंगे किसान की एक ग्रामीण की परचेसिंग पावर है तो सरकार के पास नहीं आएगा, वो जनता में रहेगा ना, 60% टैक्स के रूप में लाएंगे आप, कुल मिलाकर आप स्वीकार कर रहे हैं, मतलब जनता का पैसा जनता के एक जो हाथ से डालेंगे दूसरे हाथ से निकालेंगे, लूट के सरकार है, कांग्रेस की पार्टी स्वीकार कर लिया इन्होंने, ये कर बढ़ाएंगे कर बढ़ाएंगे और जनता के जेब से निकालेंगे, एक चीज दुनिया में फ्री नहीं है, इन्होंने स्वीकार कर लिया, जनता ने लूट करेंगे, चले चले ने स्वीकार किया, कांग्रेस जी सुरेंद्र जी अंदर सत्ता लेंगे, अवधेश जी सुरेंद्र जी अभी कल तो बजट आ ही जाएगा, तपेश जी कल आएगा बताएंगे वो कि हम कहां से लाएंगे कहां से भेजेंगे, मूल बजट है
तो कल पता चल जाएगा, कल पब्लिक बता ही देंगे अपने को। कल पता चल जाएगा साहब, पता चल जाएगा। कल अपन एक बार फिर बहस कर ले तो बेहतर होगा, आज ज्यादा टाइम निकल गया है, कल एक बार फिर बात कर लेते हैं। जरूर 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्वागत है आपका भी, आपको एक ही बार मौका मिला, धन्यवाद आपका भी, समय समाप्त हो गया है सभी का इस चर्चा में भाग लेने का। तो कांग्रेस ने सरकार में आने के बाद विपक्षी दल बीजेपी पर आरोप लगाया है कि रमन सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के चलते राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में सरकार के लिए वित्तीय व्यवस्था को पटरी पर लाना और अपने द्वारा किए गए लोक लुभावन वायदों को पूरा करना निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती होगी। खैर, अब देखना होगा कि कल जब वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना पहला बजट पेश करेंगे तो तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह का बजट लाते हैं। जनता वागे जवाब इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नए मुद्दे नए सवालों के साथ। नमस्कार। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल घुटना कंधा कमर चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। शुद्ध जल सोनांचल, अंतर्राष्ट्रीय जल उत्पादों के समक्ष समस्त मानकों की कसौटी पर खरा सोनांचल जल। करोड़ों की लागत से अति आधुनिक मशीनों से सुसज्जित विंध्य क्षेत्र का एकमात्र मिनरल युक्त ड्रिंकिंग वाटर प्लांट, पंचशील प्रोडक्ट सोनांचल मिनरल्स युक्त जल, हर घूट में स्वाद।